इधर मौतें हो रही हैं, उधर मंत्री जी को अमृतकाल याद आ रहा है। इधर शव गिने जा रहे हैं, उधर मंत्री जी संख्या की गणित समझा रहे हैं। इधर सवाल पूछे जा रहे हैं तो उधर मंत्री जी सवाल पूछने वालों को तरीका सिखा रहे हैं। जी, देवरिया पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। हीट वेव से मरने वालों की खबरों से लाल पीले होते दिखे, मीडिया को नसीहत देते दिखे, तो हीट वेव से मौत पर अजीब तर्क भी देते दिखे। जून का जो पूरा रिकॉर्ड आया है 1 से 18 जून तक का, तो उसमें अगर स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो डेथ जो रेशियो रहा बहुत कम रहा, 1, 2, 3, लेकिन 16, 17 और 18 देखा जाए तो 57 डेथ हुई है और एक दिन में 30 डेथ हुई है। इसको दौरा करूंगा और भी सोनभद्र से करके आया स्वाभाविक रूप से ऐसे लोगों के लिए वो खतरे का विषय होता है, तो राय ये दूंगा, परामर्श दूंगा कि आना हो अभी एक लड़के से मिलकर के आ रहा हूं अस्पताल से, तो उसे कैसे दूध लगी, वो तो फल में जाके किसी निकल रहा है, उसकी माँ कह रही मैं मना करता रहा और नहीं माना, वो आज मेरे जाके दो भाई के माँ, तो हमें इस बात की सावधानी बननी होगी। हमारा देश आजादी का 75वीं वर्षगांठ मना चुका है और 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए देश उत्सुक है और वह अमृतकाल के रूप में प्रधानमंत्री जी ने रखा है। हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनना होगा, हमें जागरूक होना होगा और दो चीजें हम बचाव से पूरा कर सकते हैं, बचाव के लिए हमें लोगों को सजग करना होगा। तो सुना आपने, सवाल पूछा गया देवरिया में 16 से 18 जून के दरमियान हुई मौतों पर, तो मानो मंत्री जी कह रहे हैं कि लोग शौक में मर रहे हैं, उन्हें पसंद है लू के लहरों में गोते लगाना, उनका शौक है इस हीट वेव में खुद को झुलसाना, खासकर बूढ़ों और बच्चों को। वो कहते हैं अमृतकाल में अपनी आहुति दीजिए बस, बाकी सब भूल जाइए। वहीं इस दौरान वो मीडिया पर भी भड़कते हैं, मौतों की रिपोर्ट पर पत्रकारिता का मर्म सिखाते हैं। जो स्वास्थ्य के बारे में यहाँ समाचार छपा गया था वो पूरी तरह से निराधार था और तथ्यों से भरे था और इससे जनपद को बदनामी उससे प्राप्त हुई है। मैं ये चाहूंगा कि आप सब, हम आपको डायरेक्शन तो नहीं दे सकते लेकिन कम से कम सबको ये समझना चाहिए कि संतुलित और सही समाचार क्या है। हमने इसीलिए देवरिया प्रशासन को ये कहा कि आप 1 जून से लेकर के अब तक जितनी मृत्यु हुई है उसका पूरा डाटा दीजिए और पूरे डाटा डे टू डे का डाटा आपके सामने रखा गया। 18 तारीख या 17 तारीख थी जिस दिन मैक्सिमम डेथ 18 लोगों का हुआ था और कुल जो संख्या थी वो 88 या 87 के करीब, तब तक जब तक आपने समाचार छापे थे तब तक 1 तारीख से थी। तो इस तरीके की यदि हम पत्रकारिता करते हैं तो यह हमारे जनपद के जो विश्वसनीयता है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह होता है और ये मैं तो नहीं कर सकता, इसीलिए जिला प्रशासन को मैंने कहा कि आप इसका वक्तव्य दीजिए और दे करके वास्तविकता से लोगों को अवगत कराएं। दरअसल पूरे प्रदेश में लोग हीट वेव के चलते त्राही त्राही कर रहे हैं और मर भी रहे हैं। देवरिया में भी 16, 17, 18 जून यानी कि 3 दिनों में 57 मौतों की खबरें जब सब तरफ चली तो मानो हड़कंप मच गया। सीएम योगी ने भी बैठक बुला ली। जवाबदेही की बारी आई तो अस्पताल प्रशासन ने हीट वेव के चलते इन मौतों की बात को सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद जब कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही अपने गृह जनपद देवरिया पहुंचे तो महर्षि देवरा बाबा मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी पहुंचकर वहां जायजा लिया। इस दौरान जब कृषि मंत्री से ज्यादा मौत पर सवाल कर दिया गया तो मंत्री जी भड़क गए और बोले कि तथ्यहीन और आधारहीन खबरें थी, इससे जनपद को बदनाम करने की कोशिश की गई। मंत्री महोदय ने नसीहत देते हुए कहा कि संतुलित और सही समाचार देना चाहिए। उनके मुताबिक हालात बिल्कुल फिटम फाट है, बस लोगों का ही दिमाग खराब है और ऐसे में मीडिया को मौत की नहीं लोगों को संदेश की खबरें छाप कर दिखानी चाहिए। इस दौरान वो अधिकारियों को हर दिन का आंकड़ा पेश करने के लिए भी कहते हैं। वैसे आप क्या कहेंगे मंत्री जी के ऐसे बयानों पर, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। देवरिया से राम प्रताप सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।